सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 10 पीसी में रीस्टोर पॉइंट्स को कैसे डिलीट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इसके लिए फॉलो कीजिए मेरे ईजी और सिंपल स्टेप। तो विंडोज़ की प्रेस कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए sysdm.cpl। टाइप करने के बाद दोस्तों इंटर हिट कीजिए। इंटर हिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सिस्टम प्रोटेक्शन, तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी ड्राइव सेलेक्ट करना है। करने के बाद जस्ट कॉन्फिगर पे क्लिक कीजिए। कॉन्फिगर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक कीजिए दोस्तों सिंपल से। तो जस्ट डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज देखने को मिल जाएगा और जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, आपका जो भी सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके विंडोज 10 पीसी में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो में किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा था, उम्मीद करता हूँ वीडियो सब्सक्राइबर के लिए वर्क करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।